हेयर चोर। एक बार एक पार्क में श्याम रवीना नाम के दो व्यक्ति बेंच पर बैठकर बात कर रहे थे। रवीना, और कितने दिन बोलो, हम शादी कर लेते हैं ना। लेकिन रवीना बस कुरकुरे खाते जा रही थी। क्यों रवीना, जब से आए हो खाते ही जा रही हो, लेकिन कुछ बात ही नहीं कर रहे हो। क्या बोलूं, जैसे मेरे पापा कहेंगे वैसे ही करूंगी। वो सब ठीक है, कुरकुरे का पैकेट खत्म हो गया, दूसरा पैकेट चाहिए। जितना चाहिए उतना खाओ, लेकिन शादी के लिए मान जाओ। अभी चलकर तुम्हारे पिताजी से बात करते हैं, चलो। कहकर दोनों रवीना के पिता के पास गए। श्याम रवीना के पिता से, सर मेरा नाम श्याम है, मैं आपके बेटी से प्यार करता हूँ, शादी भी करना चाहता हूँ। पिता उसका गंजा सर देखकर, बेटा सर के ऊपर लगता है 400 एकड़ खाली है, प्लॉट्स बनाकर वेंचर्स डाले क्या? वैसे भी जिसको बाल नहीं उन्हें मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा, माफ करो। सर मेरी सैलरी 1,00,000 रुपए है, क्या कहते हो? क्यों भाई, 1,00,000 रुपए कमाने में इतने एकड़ चले गए क्या? ये उसका मजाक उड़ाया। सब समझ आ गया सर, मैं जितना भी बोलूं आप आपकी बेटी नहीं दोगे, ये बात मैं समझ गया। ठीक है, मैं भी देखता हूँ आप अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे। कहकर चले गया। रवीना के पिता अपनी बेटी से जब बात कर रहा था तो खिड़की से चोरी छिपे श्याम सुन रहा था। बेटी, वो गंजे टकलू के साथ सच में प्यार करती हो क्या? पिताजी, आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। बेटी, बगल के गांव में एक अच्छा परिवार है, उनके खानदान में सुभाष नाम का इंजीनियर है, कल तुम्हें देखने के लिए आएंगे बेटी। आपकी पसंद ही मेरी पसंद है पिताजी, वो बातें सुनकर श्याम उस रात वो इंजीनियर का एड्रेस पता करके जब वो पूरी नींद में था, श्याम उसको गंजा कर दिया। अगले दिन रिश्ता लेकर इंजीनियर टकला होकर आया तो रवीना के पिता, श्रीमान ये क्या टकले होकर आए हो, आपके बाल नहीं है क्या? थे जी, लेकिन पता नहीं किसी ने मेरी बाल ही चुरा लिए। बाल चुरा लिए, क्या बात कर रहे हो जी? कहकर मन में, शायद इसके सच में बाल नहीं है, ऐसे ही किसी ने चुराए होंगे कहकर झूठ बोल रहा होगा, सोचकर उस रिश्ते के लिए मना कर दिए। उस श्याम पिता रवीना से, बेटी क्यों हम गंजे लोगों को देखें, मैं तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा ना। बगल वाले गांव में एक बहुत बड़ा धनवान रंजम का बेटा कनाडा में रहता है, वे लोग कल आ रहे हैं। श्याम पहली बार की तरह खिड़की से ये बातें सुना और उस गांव जाकर वो लड़के को भी गंजा कर दिया। अगले दिन रंजम का बेटा टोपी पहनकर रिश्ता देखने के लिए आया। ये क्या भाई, टोपी पहनकर आए हो, कहीं तुम भी गंजे तो नहीं? अरे एकदम करेक्ट बोले, लेकिन आपको कैसे पता? ठीक समय पर विग नहीं मिला जी, वरना पहन कर आता। मेरे दामाद को घने जंगल जितने बाल हो मेरी ख्वाहिश है जी, कहकर उस रिश्ते को भी कैंसिल कर दिया। तब शाम आकर रवीना के पिता से, अरे ससुर जी अब तक जो भी आए वो टकले ही थे ना, उनके मुताबिक देखोगे तो मेरे कुछ तो बाल है ना, मुझे कंसिडर कीजिए सर। रे कल जो आ रहे हैं वे मामूली लोग नहीं है रे, पड़ोसी गांव में चेतन जी के बेटे का रिश्ता है, जानते हो? श्याम हमेशा की तरह उस एड्रेस पे जाकर चेतन जी के बेटे के बाल निकाल कर जा ही रहा था कि तभी एकदम से वो जाकर, क्यों रे पुलिस वाले के घर आकर चोरी करोगे, चलो रे स्टेशन, कहकर उसे जेल में डाल दिया। सर सर मैं चोरी करने नहीं आया था सर, मेरा यकीन कीजिए सर, मैं चोर नहीं हूँ, मैं बस आपके बाल चुराने के लिए आया था सर। ऐसा ही वो बातें सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। ओहो इस गांव में सबको टकला करने वाले तुम हो, ठीक है रे जब तक मेरी शादी रवीना से नहीं होती तुम यही रहो, तभी तुम्हें छोड़ूंगा। फिर रवीना एसआई की शादी होने के बाद शाम को छोड़ दिए। जेसीबी यात्रा। एक गांव में शरबजीत कहकर एक सरपंच रहता था। शरबजीत बहुत लालची था, उस गांव में सरकारी से आए निधि को उनके खुद के व्यापार के लिए और खर्चों के लिए इस्तेमाल करता था।
एक बार गांव में सब बड़े आदमी आकर, जमींदार साहब, सरकारी का निधि को ऐसे आपके व्यापार के लिए और कार खरीदने के लिए इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है, वो प्रजा निधि है, लोगों को कुछ उपयोग करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अरे आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, मैं उस धन को लोगों के लिए ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। कैसे बताइए, उस धन को तो आपके व्यापार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कहकर कैसे बता सकते हैं? हाँ, वो पैसों से व्यापार लगाया वो तो सच है, लेकिन उस व्यापार की वजह से हमारे गांव में कितने बेरोजगारों को नौकरी मिला है ये पता है? एक बार सोचिए, गाड़ियाँ खरीदना वो भी सच है, हमारे गांव से बाहर गांव क्यों घूम रहा हूँ? हमारे गांव में निवेश लाने के लिए ही है ना। तब सब बड़ों को क्या कहना है पता नहीं चला, उधर से चले गए। अगले दिन सब बड़े लोग कलेक्टर के ऑफिस में जाकर उधर कलेक्टर से जो हुआ वो बताए। आपका बात मैं मानता हूँ, तुरंत एक इंस्पेक्शन ऑफिसर को आपके गांव में भेजता हूँ और जांच करने के लिए कहता हूँ। उस रात जमींदार उनके पास काम करने वाले आदमियों से, अरे वो कोई इंस्पेक्शन ऑफिसर आ रहा है कहकर सुना, वो हमारे गांव में कदम भी नहीं रखना चाहिए, सारे सड़कों को खोद खोद कर गड्ढे बना दो, ट्रैक्टर भी नहीं जाना चाहिए, ऐसा करो। तब जमींदार के आदमी उस गांव में सारे सड़कों को खोद कर गड्ढे बना दिए। अगले दिन इंस्पेक्शन ऑफिसर गांव के एंट्रेंस में वो बड़े बड़े गड्ढे देखकर हैरान हो गया। कार उतरकर, ये क्या, इधर इतने सारे गड्ढे हैं, मेरे कार इस सड़क पर जाना नामुमकिन है, अब कैसे जाना है कहकर सोच रहा था। इतने में जमींदार के आदमी उधर आकर, कौन हो आप, इधर क्यों आए हो? मैं आपका गांव में इंस्पेक्शन करने के लिए आया हूँ, गांव में जाना है लेकिन इधर इतने सारे गड्ढे हैं, और कोई रास्ता है क्या? नहीं नहीं, कोई रास्ता नहीं है, ये गड्ढे जो है ना, ट्रैक्टर भी उसमें अटक जाएगा, आपका कार तो मुझे डाउट है, मेरे बात सुनकर आप वापस चले जाओ। इतने में उधर एक स्कूल बस आया, बस ड्राइवर नीचे उतरकर, ये क्या, सड़क पर इतने सारे गड्ढे हैं, कल तक तो सब कुछ सही था। तब ऑफिसर को बात समझ में आया, ओहो तो मुझे रोकने के लिए ऐसे किए, अब देखो मेरा ताकत क्या है, इन्हें दिखाता हूँ कहकर एक फोन कॉल कर रहा था। तब जमींदार के आदमी, देखो सर, आप जिसको भी फोन करो कुछ फायदा नहीं होने वाला है, इन गड्ढों से जाना है तो भगवान को नीचे उतरना पड़ेगा। कुछ देर के बाद उधर एक बड़ा जेसीबी आया, तब ऑफिसर स्कूल के बच्चों को आगे पीछे बिठाकर उस जेसीबी में सब गड्ढे पार करते हुए गांव में पहुंचा। उस गांव में पूरा जांच करके उधर जो हो रहा अपराधों के बारे में जाना, तुरंत कलेक्टर को यह सब बताया। तब कलेक्टर जमींदार को अरेस्ट किया, जमींदार को जेल में डाल दिए और उस गांव के सारे सड़कों को फिर से अच्छे करवाए।